आपने पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ, नहीं तो मैं चुप था। आपने पूछा, आपने मेरा मुंह खुलवाया, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, आपने मेरा मुंह खुलवाया, मैं तो बैठ गया था। देखिए अध्यक्ष महोदय, दाने और दाने मुझसे पूछा है तो मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए, मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प किया कि इस घाटे को बंद करना ही होगा और इसका विनिवेश करना ही होगा ताकि भारत सरकार और भारत की जनता का पैसा का संरक्षण किया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए, उज्ज्वला के लिए, राशन के लिए, सड़कों के लिए, जल जीवन के लिए, आमजन के लिए। जिस कंपनी की क्षमता 15 करोड़ रुपए मुनाफे की हो, उस कंपनी के द्वारा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा 111 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है इस पर मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन ये आप समझिए कि 2005 के पहले 2005 के पहले अब सुनने की क्षमता रखिए गौरव जी, मैं 8 घंटे कल सुन रहा था, कृपा करके सुनने की क्षमता रखिए। 2005 के पहले जो देखिए अध्यक्ष महोदय, जो एयर इंडिया 15 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है और जो इंडियन एयरलाइंस 50 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है, 55,000 करोड़ का डेट बर्डन लिया जाता है, 111 एयरक्राफ्ट खरीदी जाती हैं, और भाग क कि उस 111 एयरक्राफ्ट में से 15-20 777-300ER जो जरूरत है उससे ज्यादा खरीदी जाती है, और 5 एयरक्राफ्ट B300-200EK ये 13-14 में बेची जाती है। 111 एयरक्राफ्ट आप खरीदें 55,000 करोड़ का, जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो और इंडस्ट्री में देखा जाता है कि लेवरेज एक सीमा से ज्यादा नहीं लिया जाता किसी कंपनी में, तो दे दो कंपनी डूबेगी। जिस कंपनी का लेवरेज ऑलरेडी 5:1 है, मतलब डेट 5 और इक्विटी 1, उसमें आप 55,000 करोड़ का आप ऋण लेते हो, और उसके बाद केवल ये नहीं लेकिन दोनों कंपनीज का आप मर्जर करते हो, जिस दोनों कंपनियों की कल्चर अलग, उनकी विचारधारा अलग, उनकी इंप्लॉयज की रिटेंशन प्रोग्राम अलग, उन दोनों कंपनीज को आप मर्ज करते हो, तो जो दो कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी 2005 में, जिस साल मर्जर किया गया उस साल से 3,300 करोड़ का लॉस बनाने की शुरुआत की गई, और हर वर्ष 2007-08 से अध्यक्ष महोदय, अब देखिए अध्यक्ष महोदय, दाने और दाने मुझसे पूछा है तो मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए, मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए। 2007-08 से 2020-21 तक हर साल 3,000 से 7,500 करोड़ का लॉस, 85,000 करोड़ रुपए का लॉस कंबाइंड मर्जर एयर इंडिया का, 20 करोड़ का लॉस प्रतिदिन, 3,500-7,000 का लॉस। अब इसके आगे सुनिए अध्यक्ष महोदय, अब अध्यक्ष महोदय इसके साथ साथ जो लिबरलाइजेशन किया गया, आपने पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूं, नहीं तो मैं चुप था। आपने पूछा, आपने मेरा मुंह खुलवाया, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, आपने मेरा मुंह खुलवाया, मैं तो बैठ गया था। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, तो 2,50,000 करोड़ की खाई एयर इंडिया में उत्पन्न होगी, और ये पैसा भारत सरकार का नहीं, ये पैसा भारत के 135 करोड़ जनता का पैसा है, और हमारे प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प किया कि इस घाटे को बंद करना ही होगा और इसका विनिवेश करना ही होगा ताकि भारत सरकार और भारत की जनता का पैसा का संरक्षण किया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए, उज्ज्वला के लिए, राशन के लिए, सड़कों के लिए, जल जीवन के लिए, आमजन के लिए। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस कंपनी का विनिवेश किया गया, जो प्रेमचंद्रन जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था और दास साहब ने उठाया था। अपने शहर,
अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।